सूबे में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश देखने के लिए मिल रही है। इस बीच पटना मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के सभी जिलों में मध्यम स्तर से लेकर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना में भी आज बीते 2-3 दिनों की अपेक्षा अधिक वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य के 6 जिलों में भारी वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन 6 जिलों में गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, भोजपुर और किशनगंज शामिल है। इसके अलावा इनसे सटे हुए जिले यानी कि पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अररिया और सुपौल में मध्यम स्तर से लेकर अधिक वर्षा की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ वर्षा के संकेत है। दक्षिण बिहार के सभी जिलों और उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व इलाके के जिलों में बिजली चमकने के साथ वज्रपात की अधिक संभावना है। खासकर दक्षिण बिहार के लोगों को वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गई है। हालांकि शुक्रवार से मानसून के कमजोर होने के भी संकेत दिए गए हैं। अगले 4-5 दिनों तक राज्य के तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। सोमवार की अपेक्षा आज यानी कि मंगलवार को तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बीते सोमवार को राज्य में मानसून हल्का कमजोर रहा, लेकिन लगभग सभी जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। सिर्फ भोजपुर शहरी क्षेत्र में 76.6 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा भी राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, बांका, शिवहर, कटिहार, जमुई, वैशाली, सारण, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा में कुछ कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सोमवार को राज्य के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। राजधानी पटना में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिक तापमान मधुबनी में 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत तापमान 33 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहा।